अब मैं मिस्टर स्मिथ की बॉडी पर आता हूं। वो राइटिंग टेबल के पास पाई गई थी, बिल्कुल टेबल के लेफ्ट में, जैसा कि इस चार्ट पर निशान किया गया है। चोट उसके गर्दन के राइट साइड की ओर थी और पीछे से आगे की तरफ थी, तो ये लगभग इम्पॉसिबल ही है कि ये एक खुदकुशी है। अगर वो खुद ही चाकू पर ना गिरा हो तो। एग्जैक्टली, मेरे मन में भी यही बात आई थी, लेकिन हमें चाकू बॉडी से कुछ फीट दूर मिला, इसीलिए ये नामुमकिन है। और फिर मिस्टर स्मिथ के वो आखिरी शब्द और आखिर में उसकी दाहिनी मुट्ठी में बंद वो जरूरी सबूत। अपनी जेब से स्टैनली हॉपकिंस ने एक छोटा सा पेपर पैकेट निकाला। उन्होंने इसे खोला और एक गोल्डन नाक के क्लिप का चश्मा पस नए निकाला, जिसके दोनों किनारे से काले रेशम की डोरी लटक रही थी। उन्होंने कहा, विल्बी स्मिथ की नजरें बड़ी तेज थी, इसीलिए इसमें कोई शक नहीं कि यह चश्मा कातिल के चेहरे से या उसके पास से छीना गया था। शर्लॉक ने चश्मे को अपने हाथ में लिया और उसे बड़े ही ध्यान से और दिलचस्पी के साथ चेक किया। उसने चश्मे को अपने नाक पर पहना और उससे पढ़ने की कोशिश की। खिड़की के पास गया और उससे सड़क की ओर देखा। लैंप की रोशनी में एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखा और अचानक हंसकर टेबल पर बैठ गया और कागज की एक शीट पर कुछ लाइन्स लिखी जो उसने स्टैनली हॉपकिंस को पकड़ाई। शर्लॉक ने कहा, मैं तुम्हारे लिए यही कर सकता हूं, बस ये तुम्हारे लिए कुछ काम का साबित हो सकता है। हैरान डिटेक्टिव ने जोर से नोट को पढ़ा। अच्छे घर के औरत की खोज है, जो एक लेडी के भेष में घूमती है। उसकी नाक मोटी और दोनों आंखें बहुत करीब हैं। माथे में सिलवटें, अजीब हाव-भाव वाली, और शायद जिसके कंधे घूमे हुए हैं। ऐसे सबूत मिले हैं कि पिछले कुछ महीनों के दौरान कम से कम दो बार वो ऑप्टिशियन के पास गई है। चूंकि उसके चश्मे में बहुत पावर है और यहां बहुत ऑप्टिशियन नहीं है, इसलिए उसे ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। होम्स हॉपकिंस की हैरानी पर मुस्कुराया। हाँ, मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वो बहुत ही सिंपल है। चश्मे की एक जोड़ी के सामने ऐसी कोई दूसरी चीज नहीं है जो हमें इस नतीजे को निकालने में मदद दे, खासकर अगर बात ऐसी खास जोड़ी की हो। इस चश्मे की नजाकत को देखकर ही मैं समझ गया था कि एक औरत के हैं। हाँ, और वो मरते हुए शख्स की आखिरी बात भी तो यही इशारा करते हैं। और जहां तक उस औरत के शान और शौकत की बात है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ठोस सोने के बने हुए हैं, और ये तो हो ही नहीं सकता कि जो ऐसे चश्मे पहनती है वो अपने दूसरे मामलों में फूहड़ होगी। चश्मे की क्लिप बहुत ही चौड़ी है, जो ये बताता है कि इसे पहनने वाली औरत की नाक नीचे से बहुत चौड़ी थी। इस तरह की नाक आमतौर पर छोटी और मोटी होती है, लेकिन मेरे इस अंदाजे पर अड़े रहने से रोकने के लिए पॉइंट भी काफी है। मेरा अपना चेहरा लंबा और पतला है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं अपनी आंखों को इन चश्मे के बीच में नहीं ला सकता। इसीलिए उस औरत की आंखें नाक और किनारों के बहुत करीब हैं। तुम ये देखोगे, वॉटसन के चश्मा कनकेव है और बहुत ज्यादा पावर है इसमें। एक औरत जिसकी नजरें उसकी पूरी जिंदगी ऐसी रही हो, वो दिखने में ही अलग होगी, जो कि उसके माथे, पलकों और कंधों में दिख सकता है। मैंने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे सारे पॉइंट्स को समझ रहा हूँ। हालांकि मैं ये नहीं समझ पा रहा कि तुमने ये क्यों कहा कि वो ऑप्टिशियन के पास दो बार विजिट कर चुकी है। होम्स ने चश्मे को अपने हाथ में लिया। उसने कहा, तुम देख सकते हो कि चश्मे के नाक के क्लिप को नरम रखने के लिए कॉर्क के दो छोटे बैंड लगे हैं, ताकि नाक पर कम दबाव पड़े। इनमें से एक क्लिप कुछ हद तक घिसकर बेरंग हो गया है, लेकिन दूसरा क्लिप खासा नया है। जाहिर है कि एक क्लिप हाल ही में बदला गया है। मुझे लगता है कि दूसरा क्लिप भी कुछ महीने से ज्यादा पुराना नहीं है। ये दोनों क्लिप्स मेल खाते हैं, इसलिए मैं इस नतीजे पर आया कि औरत उसी जगह दोबारा गई थी। हॉपकिंस खुशी से उछल पड़ा और कहा, ओ गॉड, बहुत बढ़िया। मेरे हाथ में सब सबूत था और मैं ही नहीं जानता था। मैंने लंदन का दौरा करके अलग अलग चश्मा बनाने वालों के पास जाने का फैसला किया ही था। बेशक किया ही होगा। वैसे क्या तुम्हारे पास हमें इस मामले में बताने के लिए और कुछ है? कुछ नहीं मिस्टर होम्स, मुझे लगता है कि जितना मैं जानता हूं आप वो सब कुछ जानते हैं, या शायद उससे भी ज्यादा। हमने सड़कों या रेलवे स्टेशन पर अजनबी के बारे में पूछताछ की है, लेकिन हमें किसी के बारे में पता नहीं चला। मुझे इस क्राइम का इरादा बिल्कुल समझ नहीं आता है। कोई भी इसके पीछे की नीयत के बारे में नहीं बता पा रहा है। मैं तुम्हारी मदद करने की हालत में नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम चाहोगे कि हम कल बाहर आएं। अगर हो सके तो मिस्टर होम्स, सुबह 6 बजे चैरिंग क्रॉस से चैथम तक एक ट्रेन है। हम 8 और 9 के बीच यॉकली ओल्ड प्लेस में होंगे,
तो हम इस ट्रेंड को ले लेंगे। तुम्हारे केस में वाकई कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रही हैं और मुझे इसमें शामिल होने में खुशी होगी। खैर, अब रात के लगभग 1 बज गए हैं, हमें कुछ घंटों की नींद ले लेनी चाहिए। आशा करता हूँ कि तुम आग के सामने सोफे पर लेट सकोगे। मैं स्पिरिट लैम्प जला लूंगा और निकलने से पहले कॉफी पिलाऊंगा। अगले दिन आंधी खत्म हो गई थी। जब हमने अपना सफर शुरू किया तो हमारी सुबह की शुरुआत बहुत ही बेकार थी। हमने टेम्स नदी के सूखे दलदल और उसके वीरान किनारों के ऊपर कहीं से सर्दी के सूरज को देखा, जिसे देखकर अपने करियर के शुरू के दिनों के हमारे अंडमान आइलैंडर की खोज की याद आती है। एक लंबी और थका देने वाले सफर के बाद हम चैथम से कुछ मील की दूरी पर एक छोटे से स्टेशन पर पहुंचे, जब एक घोड़ा गाड़ी को एक लोकल होटल में तैयार किया जा रहा था। हमने जल्दी से नाश्ता किया और आखिर में जब हम यॉकली ओल्ड प्लेस पहुंचे तो हम अपने काम के लिए बिल्कुल तैयार थे। वहां गार्डन के गेट पर हमें एक कांस्टेबल मिला। वेल, विल्सन की कोई खबर मिली? इंस्पेक्टर हॉपकिंस ने पूछा। नहीं सर, कुछ भी नहीं। किसी भी अजनबी की कोई रिपोर्ट मिली? नहीं सर, स्टेशन पर कल कोई भी अजनबी ना तो आया और ना ही गया। क्या तुमने होटल और लॉज में पूछताछ की है? यस सर, ऐसा कोई नहीं मिला जिसकी हमें तलाश है। वेल, चैथम तक का रास्ता आसान है, कोई भी वहां जाकर रह सकता है या दिखे बिना ट्रेन से सफर कर सकता है। ये वही गार्डन का रास्ता है जिसकी मैंने बात की थी मिस्टर होम्स। मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि कल इस पर कोई निशान नहीं था। निशान घास पर किस तरफ थे? इस साइड सर, रास्ते और फूलों की लाइन के बीच इस घास की पट्टी पर। मुझे अब वो निशान नहीं दिख रहे, लेकिन तब मुझे बहुत साफ साफ दिखे थे। हाँ हाँ, यहां से कोई गुजरा था, होम्स ने घास के ऊपर थोड़ा झुक कर देखते हुए कहा। लगता है हमारी लेडी ने अपने कदम बड़ी सावधानी से लिए हैं। नहीं, एक तरफ तो उसने रास्ते में निशान छोड़ा था और दूसरी तरफ घास में और भी साफ निशान छोड़े थे। यस सर, वो आसानी से पीछे हटने वाली औरतों में से नहीं लगती। मैंने होम्स के चेहरे की गहराइयों को देखा। तुम कहते हो कि वो इसी रास्ते से वापस आई होगी? यस सर, इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। इस घास की पट्टी से? जी हां मिस्टर होम्स। ये बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था, बहुत ही बढ़िया। खैर, मुझे लगता है कि हमने सारा रास्ता नाप लिया है, चलो आगे की तरफ चलते हैं। इस गार्डन गेट को आमतौर पर खुला रखा जाता है क्या? इसका मतलब है कि वो अजनबी आसानी से यहां से अंदर आ गई थी। पहले ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में मर्डर का आइडिया पहले से नहीं था, वरना तो वो अपने साथ हथियार लेकर आती, न कि स्टडी टेबल में पड़े चाकू का इस्तेमाल करती। वो इस कॉरिडोर से चलकर आगे गई, लेकिन फर्श पर बिछे इस कोकोनट मैटिंग की वजह से कोई निशान नहीं बना था। फिर वो स्टडी रूम तक पहुंची, वो वहां कब तक रुकी? हमारे पास ऐसा कोई जरिया नहीं है जिससे हमें पता चल सके। कुछ मिनटों से ज्यादा नहीं रुकी सर। मैं आपको बताना भूल गया कि हाउस कीपर मिसेज मार्कर वहां कुछ देर पहले तक साफ सफाई कर रही थी। वो कह रही थी कि शायद 1.5 घंटे पहले तक वो वहीं काम कर रही थी। ओह ठीक है, कुछ हद तक आइडिया हो गया कि हमें किस दिशा में काम करना है। इस रूम में पहुंचकर हमारी लेडी ने क्या किया? वो राइटिंग टेबल के पास गई, आखिर क्यों, किस लिए? ड्रॉअर में रखी कोई चीज तो हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि अगर ड्रॉअर में चुराने लायक कुछ सामान होता तो उसमें जरूर ताला लगा होता। नहीं, ये उस लकड़ी के टेबल में रखे कुछ सामान के लिए था। ओह हेलो, ये इसके ऊपर खरोंच क्यों है? माचिस पकड़ो वॉटसन, तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? हॉपकिंस, वो जिस निशान की जांच कर रहा था वो चाबी के सुराख के राइट साइड में जो पीतल का काम हुआ था, वहां से वो निशान लगभग 4 इंच तक फैला था, जहां इसने सतह पर लगे वार्निश को खरोच दिया था। मैंने इसे देखा है मिस्टर होम्स, लेकिन चाबी के सुराख के आसपास तो आपको खरोच दिखाई ही देंगे। ये हाल ही के निशान है, ये देखो कि पीतल कैसे कटा हुआ है। एक पुरानी खरोंच होती तो वो सतह के समान के रंग की ही होती। इसे मेरे लेंस से देखो, निशान के आसपास वार्निश धूल जैसे लग रहे हैं। क्या मिसेज मार्कर यहां हैं? वहां एक उदास सी बुजुर्ग महिला आई। क्या आपने कल सुबह टेबल के धूल की सफाई की थी? हाँ सर। क्या आपने इस खरोंच की तरफ ध्यान दिया था? नहीं सर। मुझे यकीन है कि आपने नहीं देखा था, वरना एक डस्टर इस वार्निश के कतरों और धूल को साफ कर देता। इस टेबल की चाबी किसके पास है? प्रोफेसर उसे अपनी घड़ी की चेन पर रखते हैं। क्या वो एक सिंपल चाबी है? नहीं सर, ये एक चाबी है।